सीताराम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक मैप है। मैं एक मैप की पूरी सीरीज लेकर के आपके सामने आ रहा हूँ। इसमें मैं आपको बताऊँगा हर कंट्री के बारे में, हर कॉन्टिनेंट के बारे में, ओशियन के बारे में, माउंटेन्स के बारे में, रिवर्स के बारे में, और स्पेशली अपने इंडिया के बारे में जो हमारा महान देश है। ये आप वर्ल्ड का मैप देख रहे हैं, ये एक प्लेन पेपर का मैप है। ग्लोब का मैप आपको ऐसे दिखाई पड़ेगा, ये देखिए, ये ग्लोब में मैप इस प्रकार से आता है, समझिए दोस्तों। और जो आपने अभी मैप देखा था वो मैप इस प्रकार से जो आप एक पेपर में देखते हैं, A4 साइज या किसी भी साइज पेपर में, प्लेन पेपर में। चलिए पहले मैं आपको कुछ स्टेट्स के बारे में बता देता हूँ, मीन्स कंट्री के बारे में। पहले आप थोड़ा डिवाइडेड देख लीजिए, जो ग्रीन कलर का जहाँ मेरा माउस गया हुआ है, कर्सर रसिया है, मास्को यहाँ है, आधा पार्ट एशिया में जाता है, आधा पार्ट यूरोप में जाता है, क्योंकि यहाँ युदाल पर्वत आता है, युदाल पर्वत उसको दो भागों में बांटता है। आप देखें ये वाला पूरा पोर्शन एशिया का आता है, ये पोर्शन जो आप देख रहे हैं मेरा माउस का कर्सर है, ये पूरा आपका यूरोप का है। यहाँ आपका आर्कटिक है, यहाँ आपका अंटार्कटिका का है, ये आपका क्या है मेरा माउस का कर्सर है, ये नॉर्थ अमेरिका है, और नीचे वाला आपका साउथ अमेरिका है। और ये जो पोर्शन है जिसे आप देख रहे हैं, ये आपका पूरा ओशनिया है, मीन्स ऑस्ट्रेलिया का एक है। पहले ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बोले थे, वो ओशनिया बोलते हैं। दोस्तों आप जरा ओशियन देख लीजिए, ये इंडियन ओशन यहाँ लिखा है, ये पूरा जो ओशियन आता है ये पूरा आपका इंडियन ओशियन है। इधर वाला ये पूरा अटलांटिक है, अटलांटिक कैसे, अमेरिका और अफ्रीका यूरोप के जो बीच का जो ओशियन है, महासागर है, ये अटलांटिक होता है। अब ऊपर का जैसे जो नॉर्थ साइड वो नॉर्थ अटलांटिक हो गया, जो नीचे का है वो साउथ अटलांटिक हो गया। इसी प्रकार से यहाँ बेरिंग जल संधि है, बेरिंग स्ट्रेट है, जो आपको USA और यहाँ पे रशिया को अलग अलग करता है। तो अब आप नॉर्थ साइड देखेंगे तो नॉर्थ पैसिफिक हो गया, नीचे साउथ साइड देखेंगे तो साउथ पैसिफिक हो गया, और ये आपका अंटार्कटिका है, और ऊपर आपका आर्कटिक ओशियन हो गया। दोस्तों ये आपने नॉर्मल चीज़ें देख ली हमारी मैप में। अभी मैं आपको बहुत चीज़ें बताऊंगा हर जगह क्लिक करके कि कौन सा जो कंट्री है उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या वहाँ पे खास है। लेकिन पहले मैं वर्ल्ड के बारे में बता रहा हूँ। मैप आपने देख लिया दोस्तों, मैं डाटा देख लीजिए, अब डाटा देख रहे हैं दोस्तों, दिखाता हूँ मैं आपको डाटा, एक मिनट रुकिएगा दोस्तों, डाटा देखते हैं। डाटा में आप देख रहे हैं कि जो पॉपुलेशन है हमारी कितनी बढ़ चुकी है, 7,349.47 मिलियन पॉपुलेशन का आप ग्राफ भी इस तरह देख रहे हैं। एरिया कितना है, 510 मिलियन किलोमीटर। हाईएस्ट पॉइंट आपको पता ही है, माउंट एवरेस्ट है, 8,848 मीटर लिखा हुआ है, वो 50 हो चुका है। मीडियन एज 29.4 है। पॉपुलेशन 1970 में 3,682.5 मिलियन थी, आज को छोड़ के हम 2035 में जाएंगे तो हमारी पॉपुलेशन हो जाएगी 8,838.9 मिलियन। जो सर्वजन स्टेट्स हैं मतलब प्रभुत्व संपन्न जो हमारे राष्ट्र हैं वो 195 हैं। इन्फॉर्मेशन देख लीजिए, वर्ल्ड टुडे इज पॉलिटिकली डिवाइडेड इन 195 इंडिपेंडेंट स्टेट्स में ये हैं, 195 इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं। एक मिनट, ज़्यादा ही टाइट हो गया, ये लीजिए
इंडिपेंडेंट्स हमारे स्टेट्स हैं, मतलब लास्ट हैं। 60 डिपेंडेंट्स टेरिटरीज हैं, बहुत संपन्न, कुछ स्पेशल जो बहुत संपन्न देश हैं जैसे अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, इन लोगों की। हमारी जो अर्थ है 4.5 बिलियंस ईयर्स ओल्ड या बूढ़ी है, और सर्किल इलेप्टिकल है, ऑर्बिट्स अराउंड द सन घूमती है इलेप्टिकल। और जो अराउंड द सन करती है हमारी अर्थ को क्या चाहिए होता है, 365 डेज चाहिए होते हैं, 6 आवर 9 मिनट्स 9.5 सेकेंड्स। ये एक्चुअल डाटा है। 365 दिन, 6 घंटे 9 मिनट 9.5 सेकेंड में पृथ्वी हमारी एक चक्कर सूर्य भगवान का लगाती है। और जो हमारी पृथ्वी है वो क्लॉक वाइज टू द ईस्ट ऑन इट्स ऑन एक्सेस पे घूमती है। रोटेशन ऑफ द अर्थ टेक्स, जो हमारा रोटेशन है अर्थ का घूमते घूमते ऐसे ऐसे, वो 23 आवर्स में 56 मिनट्स में और 4.1 सेकेंड्स में लेती है। जो हमारी जो इक्वेटर है द अर्थ है डायमेट्री मीटर, वो 12,742 किलोमीटर्स है, और सर्कमफेरेंस अराउंड जो है वो 40,075 किलोमीटर है, और जो रेडियस है हमारी वो 6,371 किलोमीटर है। और टुडे ज्योग्राफी एंड जियोलॉजी हैव डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। जो पॉलिटिकली 7 कॉन्टिनेंट्स और कॉमन्स हैं हमारे, जो एशिया है, यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ओशनिया एंड अंटार्कटिका। और हमारे जो अर्थ में 29% लैंड है और 71% हमारा वाटर है दोस्तों। और जो हमारा जो अर्थ का जो लैंड है, पृथ्वी का भूमि भाग है, वो 7 कॉन्टिनेंट में डिवाइडेड है। एशिया 30% में है, अफ्रीका 20% में है, नॉर्थ अमेरिका 16.5% में है, साउथ अमेरिका 12% में है, अंटार्कटिका 9% में, यूरोप 7% में, और ऑस्ट्रेलिया एंड ओशनिया हमारा 6% में है दोस्तों। समझ आ गया आपको दोस्तों? टाटा, बस स्क्रीन फिर से देखते रहिए। पोजीशन ये आप मैप का देख रहे हैं, एक क्लिक करके मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये आपका क्या है ये दोस्तों, बताइए आप जरा। साउथ अमेरिका, ब्राज़ील, देखिए देखिए चिली, देखिए बोलोविया, यहाँ से घूम के आइए, देखिए इथोपिया, यहाँ आ जाइए, यहाँ क्या है, ग्रीनलैंड, यहाँ देख लीजिए, कनाडा, यहाँ क्या है, यूएसए, यूनाइटेड अमेरिका, स्पेन, देखिए फ्रांस, देखिए स्वीडन, को देखिए यूनाइटेड किंगडम। ये सब चीज़ें मैं आपको एक चीज़ें डिटेल में बताऊंगा। फ्लैग देखिए, ये दोस्तों फ्लैग है, ये आपको पता है यूएनओ का है, संयुक्त राष्ट्र संघ का फ्लैग है, इसीलिए शांति, सुरक्षा, सद्भाव प्रमाणित करने के लिए इसी फ्लैग को बनाया गया। पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड के फ्लैग में इसको बनाया गया। दोस्तों आपको इतनी बात समझ में आ गई? ये मैंने आज आपको छोटा सा टॉपिक दिया है कि कौन सी जगह कहाँ पर है। अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो आपके सामने लेकर के आऊँगा उसमें मैं हर एक कॉन्टिनेंट के बारे में और हर एक कंट्री के बारे में बहुत ही डिटेल से आपके सामने रखूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।